जी किस तरह देखते हैं इस समय पे ईडी का? नहीं देखिए, ये सरकार जो है ईडी एंड सीबीआई और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडीज है उनका मिसयूज कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को क्रश करने के लिए, उनको दबाने के लिए है। 8 साल में सरकार ने किया क्या है? यहाँ 8 साल का जश्न मनाया गया, 8 साल में एक एक तो काम किया गया, खौफ पैदा किया गया, हर आदमी में खौफ कह के आप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये मसला है, तो हम इसकी निंदा करते हैं। और हमने यहाँ भी जब बात चल रही थी कि हमारे लीडर्स को जो है परेशान करने के लिए जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, इससे कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, इन ऐसे हथकंडों से दबने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जयराम सरकार जो है जिस ढंग से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है, और करोड़ों रुपये बसों पे जो लग रहे हैं, बेनिफिशरीज के बूते पे रैलियां हो रही हैं, मनरेगा के बूते पे रैलियां हो रही हैं, आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स और जो है ये हमारे जितने भी तहसीलदार हैं बीडीओज हैं उनको लाने के लिए 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के बसों के बिल बन रहे हैं, और उसके बाद 50-50 करोड़ रुपया जो है एक एक रैली पे खर्चा आ रहा है। ये मशीनरी का बहुत बड़ा दुरुपयोग है, ये सारा पार्टी का खर्चा जो है सरकार से कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि भारी भरकम कर्जा उठा के आप जो है स्टेट को चला रहे हैं, आपकी कोई मदद नहीं हो रही है, और ऊपर से आप जो है ये जो पैसा है जो कर्जा लेके चल रहे हैं उससे अपनी रैलियां कर रहे हैं, इवेंट्स मैनेज कर रहे हैं, ये सारी बातें पार्टी के ध्यान में, ये जनता के ध्यान में लाई जाएंगी।